तो हे गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग असाठी क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके क्या है, सितंबर माह से त्रैमासिक परीक्षाएं चालू होने वाली हैं। ओके दोस्तों, तो आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या है त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस बता दीजिए। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि जो अपना कैलेंडर जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से, मैंने आपको प्रोवाइड भी कराया है। ओके दोस्तों, तो क्या है उसमें बहुत ही सूक्ष्म अक्षर लिखे हुए हैं। ओके, बहुत ही स्मॉल अक्षर है जिससे समझने में दिक्कत हो रही, बहुत ही धुंधले हैं। ओके, तो मैंने उसे क्लियर करके आप लोग किया है पूरा, क्या है रिटर्न किया है पूरा सिलेबस। ओके, तो क्या बात है, क्रम से एक सब्जेक्ट का आएगा। आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट का कक्षा बारहवीं का। ओके दोस्तों, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे अगर आप कक्षा बारहवीं के स्टूडेंट है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं अपन त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस हिंदी का। आगे आप किस किस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अपन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपको पता है कि आपकी आरोह भाग दो आपकी क्या चलती है, तो इनमें क्रम से अपन देखने वाले हैं। तो पहले अपन देखते हैं किसका, पहले अपन दोस्तों देखने वाले हैं काव्य खंड में। तो काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हैं उनका अपन बात करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो काव्य खंड में आपका सबसे पहले आता है क्या है, आत्म परिचय एक गीत, जिसके लिए क्या कहना है हरिवंश राय बच्चन। तो इनका आपका ये वाला आपका पाठ आना है। ओके, त्रैमासिक परीक्षा में, तो पूरा तैयार कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको उसकी MCQ करा दी है, क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। ओके, फिर आना है आपका पतंग, जिसके लेखक कौन है आलोक धनवा। तो ये आपका आना, इसके मैंने अभी MCQ करवाए हैं। नेक्स्ट है आपका कविता के बहाने बात सीधी थी पर, जिसके लेखक कुंवर नारायण, ये वाला आपका पाठ आना है। ओके दोस्तों, तो क्या करें आप हमारे साथी क्या है कॉपी लेकर बैठे, और क्या है जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं इसी प्रकार से बनाइए नोट्स को। तो क्या है दोस्तों आकर्षक तरीके से बनाए, रंग बिरंगा जैसे मैंने बनाया। इसका फायदा ये होता है कि आपका क्या है इसमें अट्रैक्टिव रहते हैं आप। ओके दोस्तों, आकर्षण बना रहता है आपका नोट्स के प्रति। ओके, इसलिए आपको क्या है रंग बिरंगे अपने नोट्स बनाने चाहिए, सबसे बड़ा फायदा रहता है। ओके, तो जिस प्रकार से बनाया है इसी प्रकार से आपको क्या है बिल्कुल बना लेना है। ओके, तो ये आपके तीन पार्ट आने हैं त्रैमासिक परीक्षा। आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट है आपका कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय, जिसके लेखक ये वाला आपका क्या है पाठ आना है। ओके, तो इस प्रकार से काव्य खंड में आपके ओनली 4 चैप्टर आने हैं। तो ये आपको क्या है एकदम से तरीके से क्या है तैयार कर लेना है। धीरे धीरे मैं सभी के आपको क्या है प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैंने MCQ करवाए हैं। ओके, कुछ चैप्टर के और इसके आत्म परिचय के प्रश्नोत्तर भी करा दिए हैं, जल्दी मैं सभी की करा दूंगा। ओके, तो आपको चिंता नहीं लेना है, ओनली आपको क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही सभी प्लेटफॉर्म पर जुड़िएगा। अपना व्हाट्सअप ग्रुप भी है तो उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं गद्य खंड से। गद्य खंड में आपका कौन कौन से आने हैं, तो गद्य खंड में आपके टोटल 3 चैप्टर आने हैं। कौन कौन से, तो वो भी देख लीजिए। तो आपका आना है भक्ति नाना, जिसके लेखक कौन है महादेवी वर्मा है, ये वाला आपका आना है। नेक्स्ट है आपका बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, और काले मेघा पानी दे धर्मीर भारती, इसके ये लेखक हैं। ओके, तो ये किनारे लेखक दिए हुए हैं। तो ये आपके 3 पाठ आने हैं गद्य खंड में, 4 पाठ आने हैं काव्य खंड में आपके। ओके, तो आई होप आप नोट करते चले होंगे। ओके, तो ये आपका हो जाता है। चलिए बेतान में भी देख लेते, तो बेतान आपकी चलती है 3, आपको पता है 2 बुक चलती हैं आपको, ऐसे 3 बुक चलती हैं। कौन सी, आरोह बेतान अभ्यक्ति माध्यम। तो आरोह में आपका गद्य खंड काव्य खंड का पन्ने देख लिया, बेतान में देख लेते हैं। तो बेतान में दोस्तों आपके 2 पाठ आने हैं, वैसे टोटल तो आपके अभी सिलेबस में 3 पाठ हैं। दोस्तों तो कौन कौन से आने हैं ये भी देख लीजिए। तो पहला आपका आना सिल्वर वेंडिंग, जिसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी, और आपका दूसरा आना है जूझ आनंद यादव। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा हो जाता है सिलेबस। ओके, अभी अभी बचा है दोस्तों, अभी आपको क्या है वीडियो स्किप करके नहीं जाना है। ओके, अभी क्योंकि अभी आपको अभिव्यक्ति माध्यम में देखना है कौन कौन से आपके चैप्टर आने वाले हैं, साथ ही आपको व्याकरण भी देखने वाली है। इससे पहले देख लीजिए अगर दोस्तों आप क्या है ऑल चैप्टर के नोट चाहते हैं 90 39 53 44 79 पर आप क्या है व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो क्या है ऑल चैप्टर नोट्स आपको मिल जाएंगे, जितने भी आपके क्या है चैप्टर है सभी के आपको नोट्स MCQ मिल जाएंगे दोस्तों, प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे, साथ ही आपको उसमें व्याकरण रहेगी, अभिव्यक्ति माध्यम की भी पूरा आपके चैप्टर के MCQ रहेंगे और क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ओके, तो आप इसमें क्या है करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स प्राइस आपको बता दूं पूरे साल भर की ओनली क्या है 199 रुपए है। चलिए दोस्तों, तो अब देख लेते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में आपके कौन कौन से पार्ट आने हैं। वैसे इसमें ज्यादा सिलेबस दे दिया अभिव्यक्ति माध्यम में, चलिए देख लेते हैं फिर भी। तो पहला आपका सबसे पहला आता है, पहला चैप्टर रहेगा आपका कक्षा ग्यारहवीं का रहेगा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ओके, दूसरा आपका रहने वाला है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। ओके, तीसरा आपका कैसे बनती है कविता, और चौथा आपका पार्ट रहेगा नाटक लिखने का व्याकरण। तो ये आपके 4 पार्ट रहने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में। ओके, त्रैमासिक परीक्षा में, तो आपको सभी करना है। खास करके दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप क्या है इसका ब्लू प्रिंट ऐसे जारी हो चुका है, आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा, अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रख लिया होगा। ओके, तो क्या है जैसे इनका क्या है आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम रहता है इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ओनली 2 नंबर का एक आध क्वेश्चन रहेगा, बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सभी चैप्टर के जितने भी हैं सभी की मैंने तैयार कर दी, सब कोर्स में आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आप कोर्स लेना चाहे तो जरूर उसमें क्या है कॉन्टैक्ट करिएगा। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं क्या है
अभी तक आपने कहा अनुराग साड़ी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सिलेबस के साथ यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक एक गाइड करता रहेगा, आपको क्या है एक मार्गदर्शन करता रहेगा किस प्रकार से आपको क्या है परीक्षाओं की तैयारी करनी है। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं व्याकरण में आपका क्या क्या आना है। तो व्याकरण में आप देख लीजिए क्रम से रस आने हैं। ओके, तो रस भी आपका है पूरा आपको तैयार कर लेना है। रसों के क्या है, रस की परिभाषा, प्रत्येक रस की दशा आपको पता है रस होते हैं तो उनकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। साथ ही क्या है आपको उनके एक उदाहरण कर लीजिए कि नहीं आपको देखने को मिल जाए। अलंकार आना है, अलंकार में भी कौन कौन से आने हैं वही भी आपको बताए गए हैं। दोस्तों इसमें एक है ये जो मैंने आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ ये कैलेंडर के हिसाब से, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल कैलेंडर है आपका, उसके हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि एक विरोधाभास स्थिति बन रही है। क्या है कि देखिए मानवीकरण अलंकार, पुनरुक्ति प्राकरण, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान और विरोधाभास, ये क्या है जिस सिलेबस है जो पिछले साल का था। ओके, ये उसमें पिछले साल थे, लेकिन इस साल के जो आपका ब्लू प्रिंट है उसमें कौन कौन से हैं, संदेह है, भ्रांतिमान है, विरोधाभास, मानवीकरण और पुनरुक्ति के खास हटा दिया गया सिलेबस की अगर देखा जाए। लेकिन इसमें जो आपका ये कैलेंडर है उसमें ये दिए गए हैं ये है, लेकिन आपको क्या है संदेह, भ्रांतिमान और विरोधाभास, ये आपको तीन एकदम रटी लेना है। इनको क्या है इनको भी एक लाइन के तो एक बार देख लीजिएगा वैसे भी, और जो अभी नए जुड़े हैं उनको भी आप क्या है देख लीजिएगा। ओके, तो अलंकार आपका आना है। चलिए नेक्स्ट है आपको छंद है, तो छंद में भी आपको ये थोड़ा पुराना वाला दिया गया है इसमें। ओके, कवित्त समय तो इसमें नए वाले में भी है, लेकिन दो तो क्या है जो पुराना और नया है उसमें क्या अंतर है कि एक दो है हटा के नए जोड़ दिए गए हैं, तो एक बार उन्हें देख लीजिएगा। वैसे आप क्या है एक एक दो लाइन के रहते हो तो उनको सभी को आपको तैयार कर लेना चाहिए। फिर आपका शब्द शक्ति, शब्द गुण तो रहेगा ही। ओके, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा, एक ना एक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा पेपर में, मुहावरे, लोकोक्तियां। ओके, अब विशेषण क्रिया विशेषण दिया है, ये पुराने सिलेबस में था, पिछले साल के में था। ओके दोस्तों, विशेषण और क्रिया विशेषण था ये क्या है पुराने वाले सिलेबस में था, लेकिन इसमें दिया हुआ है। ओके, तो उसका समझ में नहीं आ पा रहा, लेकिन आपको नए सिलेबस के अनुसार आप देख लीजिएगा ब्लू प्रिंट के हिसाब से। लेकिन आपको देखिए कौन कौन पढ़ना, मुहावरे, लोकोक्तियां आपको पढ़ना ही है। ओके, शब्द गुण, शब्द शक्ति आपको पढ़ना ही है, छंद में भी आपको यही पढ़ लीजिएगा। ओके, वही एक से है, एक दो बस है तो उन्हें भी दोहा चौपाई तो आपको नॉर्मल याद हो जाएंगे कि लाइन के, तो उन्हें भी आपको तैयार कर लेना। अलंकार में क्या है तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये कि इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह, भ्रांतिमान, विरोधाभास, ये पिछले साल से भी है, इस साल भी है सिलेबस में, तो इनको तो आपको पढ़ना है। ये दो है जिनमें डाउट की स्थिति है तो एक बार नहीं पढ़ लीजिएगा, जो नए जोड़े गए हैं उन्हें भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कैलेंडर में इस प्रकार दिए गए वही समझ में नहीं आ रहा इसमें ये बस है। ओके, तो ये आपको क्या है तैयार कर लेना है, रस तो आपको पता ही करना ही है। तो ये आपका हो जाता है त्रैमासिक परीक्षा का आपका क्या है सिलेबस, ये आपको क्या करना है, बहुत ही ज्यादा नहीं है, आप आराम से क्या है दो महीने में तैयार कर सकती हैं। ओके, व्याकरण तो आप क्या है तीन से चार दिन में सभी को आपको तैयार कर लेना है, सबसे महत्वपूर्ण है नोट्स। ओके, तो जो मैं आपको क्या है प्रोवाइड करा दूंगा, क्रम से मैं एक एक की वीडियो बनाता चाहूंगा। अगर आप एक साथ ही सभी नोट्स चाहते हैं और क्रमबद्ध चाहते हैं तो क्या है आप इनका क्या है इसका कोर्स ले सकते हैं, तो इस प्रकार से कोर्स है तो आप क्या स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं, आप क्या है इसका मैंने पहले कहा था आप नोट करते चलिएगा, तो आप देख लीजिए एक बार इस प्रकार से आपका रहने वाला है। तो ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, साथ ही अपने क्या है टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में, सभी तरह से ज्वाइन हो जाइए हर प्लेटफॉर्म में। ओके, क्या है ज्वाइन बस होना है, बाकी काम में मुझे करना है, जो कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो आपको क्या है इंस्टेंटली आपको मिल जाए, जो भी आपको जानकारी देना होगा। ओके, तो सभी जगह ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, आगे आपके सब्जेक्ट क्या क्या है सिलेबस चाहते हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।